हेलो स्टूडेंट्स डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो बताए फर्स्ट में एक बताया कि सलेबस डिस्कशन के बारे में ठीक है जिसमें आपको पूरी ब्लूप्रिंट समझाई ठीक है सेकेंड वीडियो बनाया जिसमें आपको मैंने ये बताया कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ निकाल दिया गया हटा दिया गया है और क्या चीज़ रखा गया है ठीक है थर्ड वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत बच्चे अब धीरे धीरे कंफ्यूजन में आते जाते हैं और वो सोचते हैं कि दो महीने निकल गए तीन महीने निकल गए अब हम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो अब हर स्टूडेंट सोचता है कि मैंने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया पर मेरे टेस्ट में मार्क्स अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट बोल रहा था मैम मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है पर मेरे जो सोचा था वो मेरे टेस्ट में नहीं आया मैं, आ, कह रहा है कि मैं आ, मेरे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है मैं पढ़ता हूँ क्यों नहीं आते आपने पूरा चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपने उस चैप्टर को सही से पढ़ाई नहीं और आपसे बोर्ड या फिर ये क्लास ये चाहती है कि आप उस चैप्टर को इतने अच्छे से समझें कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके इसीलिए तो ऐसे प्रश्न पूछती है ऐसे क्वेश्चन पूछती है पहले से अगर डर बना के बैठे रहोगे तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता पर हम आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं ठीक है और इसमें मैं आपको वो सारी चीज बताना चाहती हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और अभी भी आपके पास टाइम है और आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चलिए देखते हैं क्या है देखो सबसे पहली बात तो इस बार आपके टर्म वन टर्ब टर्म वाला काम खत्म कर दिया गया टर्म वन टर्म टू नहीं है इसका मतलब आपकी बार आपका पूरा फुल बोर्ड एग्जाम होने वाला है पूरे मार्क्स आएंगे पूरे मार्क्स के पेपर होंगे और पूरा सिलेबस आएगा सिलेबस कितना आया क्या नहीं आया वो मैंने पहले ही वीडियो बता दिया है ठीक है टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें फिजिक्स का जो पार्ट है ट्वेंटी फाइव केमिस्ट्री ट्वेंटी फाइव और बायो में थर्टी फाइव यानी जो आवर इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो भी इसमें ऐड कर दिया है ठीक है तो वो उसको थर्टी मार्क्स कर दिया ठीक है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी थर्टी एट्टी मार्क्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम हो में होंगे ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में मिलते हैं ठीक है तो ये एट्टी प्लस ट्वेंटी हो गया अब इस एट्टी मार्क्स की तैयारी अभी हम यहाँ कर रहे हैं ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जरूरी क्या है आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो इधर से बुक्स ये नोट्स ये बुक्स किसी फ्रेंड से मांग लिया ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपकी जो एन सी आर टी है वो इतनी बेस्ट है जिसको एन सी आर टी आती है उसको किसी और बुक की जरूरत नहीं है ठीक है और ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना एक बुक पढ़ो कई बार पढ़ो ठीक है लेकिन इसके साथ में अगर आप कई क्वेश्चन ट्राई करने चाहते हो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो आपने सिलेबस कंप्लीट किया हर एक चैप्टर के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो ये दो चार बुक्स हैं जो कि हर जगह पे मिल जाते हैं जैसे एडुकार्ट हो गया ठीक है एग्जाम आइडिया हो गया ओसवाल बुक्स हो गया ये भी अच्छा है ठीक है एन सी टी इस तरह से ये जो सारे बुक्स हैं इन बुक्स में क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एन सी आर टी पढ़नी है एन सी आर टी पढ़ने के लिए क्या करना है पहले एक चैप्टर आपने पढ़ लिया उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में वो एक या दो पेज में आपका तैयार हो गया इसके बाद में ही आप उससे क्वेश्चन कर लो ठीक है एक चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो गया फिर सेकेंड चैप्टर पे आए फिर थर्ड चैप्टर पे आए फोर्थ फोर्थ चैप्टर पे आए ऐसे करते करते अपने सारे चैप्टर अपने को तैयार करने हैं ठीक है इसके बाद में सेकेंड टिप क्या है जो कि आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो ये मैं आपको बताती हूं फर्स्ट है आपको जो अपनी नोटबुक है यानी जो आपकी बुक्स है जो एनसीआर हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है क्या करना है पहले आपको नोटबुक पढ़ना है अच्छे से सेकेंड में आपको उसकी समरी पढ़नी है ठीक है समरी पढ़नी है समझनी है समझने के बाद में आप सेल्फ में पढ़ो क्योंकि आप कितना भी कोई पढ़ा दे उस टाइम तो समझ में आ जाता है पर अगर आप जब तक सेल्फ नहीं पढ़ोगे बस एक बार समझ में आएगा वो भूल जाएगा समझ में आने का मतलब अगर कोई पढ़ा रहा है उस टाइम तो हमें समझ में आ जाता है पर अगर हम दोबारा से ख़ुद से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये क्या पता लगेगा कि हमें खुद से क्या आ रहा है या फिर क्या भूलें हैं ठीक है अब इसके बाद में उसके प्रीवियस के लगाने अब वो क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए इसका मतलब ये चैप्टर लगभग लग एट्टी टू 90 परसेंट वो क्लियर हो जाएगा बचेगा दस परसेंट जो कि बाद में हम फिर से टेस्ट देते रहेंगे बार बार तो वो हमें आ जाएगा ठीक है अब इसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है शॉर्ट नोट्स क्या होता है शॉर्ट नोट्स मैं आपको बनाना भी बताऊंगी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स होता है वो एक बार पढ़ने पे बिल्कुल नहीं बनाया जाता मैं खुद भी अगर नोट्स बनाऊँ या फिर आप नोट्स बना रहे हो एक बार पढ़ के अगर फिर से नोट्स वैसे ही बना रहे हो तो वो एक आपने बुक से निकाला और एक कॉपी में लिख दिया फिर से वो आठ दस पेज वैसे ही बन जाएंगे तो क्या मतलब है वहाँ से लिखा वहाँ पे फिर वैसे ही लिख दिया ठीक है तो ऐसे नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने वो चैप्टर जब दो या तीन बार चार बार आप पढ़ लो उस चैप्टर को आपको अच्छे समझ में आ जाए तब आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ लिखना है क्या चीज़ हमें बहुत अच्छे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो उस चैप्टर से आपको एक एक पेज पे दो पेज पे एक छोटी सी समरी आपको मिल जाएगी ठीक है उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स ठीक है शॉर्ट नोट्स आपकी है आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से बस ठीक है इसके बाद में एनालाइज रिवीजन अब रिवीजन का क्या फंडा होता है मैंने मैं ऐसे कई बार देखती हूँ बच्चों को मैं आगे पढ़ाती जाती हूँ पढ़ाती जाती हूँ पीछे वाले चैप्टर वो भूलते जाते हैं बार बार ये चीज़ कंफ्यूजन रहती है यार ये चैप्टर हमने पढ़ा था ये टॉपिक कुछ था पूछो तो पता नहीं चलता कि क्या है ठीक है तो इसलिए रिवीजन का फंडा होता है कि अगर आपने पहले दिन कोई चीज पढ़ी स्कूल में पढ़ाई पढ़ाएगी या पढ़ी तो घर पे बोला जाता है कि आप उसका रिवीजन करके आना हर एक टीचर बोलता है आपको रिवीजन करके आना ठीक है पर आप करते नहीं हो पहले दिन आपको उस चैप्टर को पढ़ना है जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ लेना है उसके बाद में उसको सातवें दिन पढ़ना है ठीक है फिर उसके बाद उसको चौदहवें दिन पढ़ना है मतलब फोर्टीन डेज के बाद में उसको पढ़ना है फिर उसको ट्वेंटी वन डेज के बाद पढ़ना है मतलब फर्स्ट डे फिर सेवन डे फिर फोर्टीन डे और फिर ट्वेंटी वन डे वो आप एक मंथ के लिए पढ़ोगे और आप देखोगे जो आपने तीन से चार चैप्टर जो आपने पढ़े और इस तरह से रिविजन किया ना वो आप भूलोगे नहीं

पूरे वीक में सैटरडे फिक्स है सैटरडे को टेस्ट होता है जो भी चीज़ पढ़ाया गया पूरे वीक में ठीक है फिर एक या दो वीक को मिक्स करके हम टेस्ट लेते हैं ठीक है बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्री बोर्ड भी लेते हैं दस प्री बोर्ड लेते हैं जिससे बच्चे का पूरा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ पेपर में कोई डर नहीं लगता इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होती ठीक है ठीक है तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद भी जान सकते हो कैसे इसको अपने ऊपर ट्राई करके तो ये लास्ट में दो तो तीन चीजें मैंने आपको बताई इसमें फर्स्ट क्या है न्यूमेरिकल का हवा मैंने देखा है जैसे ही साइंस में न्यूमेरिकल की बात आती है बच्चे क्या बोलते हैं है? मैम ये रहने दो जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगी उतने क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा पर जैसे ही उनको क्वेश्चन करने के लिए बोलो मैम ये तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा क्वेश्चन आपके केवल दो या तीन चैप्टर में पहली बार न्यूमेरिकल है ठीक है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझो फॉर्मूला याद करो फिर क्वेश्चन को समझो लगभग लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आ जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है आती है बातें बच्चों की सेल्फ स्टडी की आप दिन भर स्कूल में पढ़ते हो फिर कहीं ना कहीं ट्यूशन करते हो वहां पे पढ़ते हो ठीक है अब इसने पढ़ने के बाद में फिर आप कितनी देर पढ़ोगे तो आप चाहे दो घंटे पढ़ो चाहे तीन घंटे पढ़ो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पढ़ो अगर आपको मोबाइल डिस्टर्ब करता है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो ठीक है अगर आसपास के लोग स्टूडेंट कोई अगर आपको परेशान कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ से आप परेशान हो रहे हो आपको आप दो से तीन घंटे के लिए आप अपना कमरा बंद करो जहाँ पढ़ाई करते हो और वो दो से तीन घंटे आप सारे जो चैप्टर हैं सारे जो सिलेबस हैं जब सारे सब्जेक्ट हैं ठीक है थीके? उनका जो जो चीज़ तुम्हें पढ़नी है पर पढ़ डे वो आप दो से तीन घंटे पढ़ लो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन वही चीज़ है जो चीज़ें आपको पढ़ाई करने में आपको परेशान कर रही है आपको भटका रही है उस चीज़ को आप उतनी देर के लिए दूर रखो अगर उसके बाद में आपको मोबाइल है खेलना है कुछ भी आपको करना है तो वो काम आप कर सकते हैं ठीक है अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये भी तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है अगर आप सीनियर हैं मतलब आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आप खुद भी पढ़ रहे हो तब भी आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करना है आप नहीं बताओगे लेकिन ये बता देती है क्या करना है वीडियो आपको शेयर करना है लाइक करना है इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है धन्यवाद